हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू यूट्यूब वीडियो। हमारी आज की वीडियो होने वाली है टेलीग्राम और डार्क वेब के कनेक्शन के ऊपर, कि आखिर टेलीग्राम और डार्क वेब में क्या कनेक्शन है, क्यों इन दोनों को एक ही जैसा कंपेयर किया जा रहा है कि यहाँ पे भी अब इल्लीगल चीज़ें होने लगी हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये वीडियो एक सजेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी मिस्ट्री बॉक्स के ऊपर, वो सजेस्टेड वीडियो थी। तो मैंने उसमें बोला था कि आप कमेंट करो टॉपिक, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो हमारी उस वीडियो पे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई टेलीग्राम की डार्क साइड के बारे में बताओ और डार्क वेब और टेलीग्राम में क्या कनेक्शन, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो मैंने ये वीडियो उन भाई के कहने पे बनाई है। तो विजय भाई, आज की वीडियो पर्टिकुलर आपके लिए बनाई है मैंने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो आप कर ही दोगे। तो चलो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने वीडियो के शुरुआत में टेलीग्राम को डार्क वेब का अल्टरनेटिव क्यों बोला था, क्यों हमने ऐसा बोला था कि टेलीग्राम अब बन चुका है डार्क वेब का अल्टरनेटिव। तो इसके पीछे बस यही रीज़न है कि जिस तरह से टॉर ब्राउज़र पे या फिर डार्क वेब पे इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उसी तरह से कुछ हद तक टेलीग्राम पर भी अब इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। इसके पीछे का कारण सबसे पहला यही है कि ये एक सिक्योर प्लेस है, जहाँ पर आपका एंड टू एंड इनक्रिप्शन की वजह से आपके चैट को कोई पढ़ नहीं सकता, और आपको अगर कोई रिपोर्ट करे तो यूं ही हर कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता। और जैसा अब सबको पता है कि टॉर ब्राउज़र एक्सेस करना हर बंदे की बस की बात नहीं है, तो वहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम है। इसीलिए वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं डार्क वेब के, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सर्विस वेब वाले बंदे हैं वो भी हमारी सर्विस का पार्ट बन सके, उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए उन्होंने टेलीग्राम को चूज़ किया, क्योंकि टेलीग्राम जो है वहाँ पे एंड टू एंड इनक्रिप्शन चैट होती है, जिससे आपकी चैट को सामने वाले बंदे और आपके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं पढ़ सकता, इसीलिए ये उन्होंने सिक्योर समझा। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई टेलीग्राम वाले ही एंड टू एंड इनक्रिप्शन नहीं देते, व्हाट्सएप वाले भी तो देते हैं। बट भाई मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप पे कुछ लिमिट्स होती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे। वहाँ पे ग्रुप में मेंबर्स ऐड करने की लिमिट होती है, लिमिट यहाँ पे भी होती है, बट यहाँ पे लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है, और वहाँ पे आप लिमिट के हिसाब से ही आप फाइल शेयर कर सकते हो। जितनी लिमिट होगी आप उससे ज़्यादा की फ़ाइल शेयर नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप 2 से 3 GB की फ़ाइल भी आप नॉर्मली शेयर कर सकते हो। इसलिए उन्होंने टेलीग्राम को ही टारगेट किया ताकि वो यहाँ पर अपना काम सही ढंग से कर सकें, इल्लीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि आखिर टेलीग्राम ग्रुप्स में और टेलीग्राम चैनल्स में ऐसा क्या है जो वहाँ पर इल्लीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप लोगों का या किसी भी नॉर्मल बंदे का या किसी कंपनी का स्टोलन डेटा बेचा जा रहा है। यहाँ पर कार्डिंग भी हो रही है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम्स पे आपको कार्डर्स मिल जाएंगे जो आपको कार्ड्स बेच रहे हैं, दूसरों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पर आपको पायरेसी मूवीज़ मिल जाती हैं, आपको फ्री में मूवीज़ मिल जाती हैं, जो एक इल्लीगल एक्टिविटी है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये कोई इल्लीगल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर सपोज़ कीजिए कोई वेब सीरीज़ है वो आपको पैसे देने के बाद ही सर्विस वेब पे मिलती है, और वो आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल रही है या कुछ कम कॉस्ट में मिल रही है, तो भाई ये एक तरह से चुराई हुई मूवी है, चुराई हुई चीज़ें हैं, जो एक इल्लीगल एक्टिविटी ही है। उनके पास पूरा हक होता है पिक्चर वालों के और सीरीज़ वालों के कि वो रिपोर्ट कर सकें जिसने इन चीज़ों को आपको प्रोवाइड किया है, बट उनको पता चले तब ना। बताऊँ कि ये इल्लीगल है, बट इतना ज़्यादा डेंजर नहीं है इस पे, आपको ये नहीं कि आपको जेल ही हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्विस वेब पे और भी जगह हैं जहाँ पर इस तरह के काम पायरेसी की जाती है, बट इट्स अनॉर्मल। बट अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी सामने, जिसमें बताया था कि एक ग्रुप था, एक चैनल था, जो कुछ पैसे लेकर COVID-19 की जो वैक्सीनेशन चल रहा है, COVID-19 वैक्सीनेशन के फेक सर्टिफिकेट्स बना के दे रहे हैं कुछ पैसे दे के। आप समझ रहे हो कितना डेंजर है ये, बहुत ही अलग तरह से डेंजर फैलाएगा अगर आप इसे एक हटके देखो तो। Thank you.
और हाँ, टेलीग्राम को जैसे जैसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह के पेजेस हैं या चैनल्स हैं इलीगल, तो वो उनको किक आउट कर देते हैं। तो ये ठीक बात है कहीं तक, लेकिन ये टेलीग्राम अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए उनको आपके और मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप सभी को अवेयर रहना है, ताकि आपके बच्चे जो टेलीग्राम चलाते हैं या फिर आप टेलीग्राम चलाते हो, आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको बताऊं, 2-3 दिन पहले मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ था, उसमें पूरा का पूरा रोल रहा था टेलीग्राम वालों का। एक ग्रुप था जिसकी वजह से मेरे साथ मेरा अकाउंट हैक किया गया था उस ग्रुप के कुछ बंदों ने मिलके, और रैनसमवेयर अटैक भी किया था मेरे ऊपर। बट आई एम स्टिल, मैं सेफ हुआ, मैं सेफ बचा, क्योंकि मुझे पता था। अगर आप लोगों को नहीं पता होता तो आप शायद ही वहाँ से निकल पाते। तो इसीलिए यार, सब थोड़ा बहुत सपोर्ट दो टेलीग्राम को, उनके चैनल्स को रिपोर्ट मारो, तो ये एक नॉर्मल प्लेस बन जाएगा। जैसा आप सब जानते हो यार, टेलीग्राम एक सरफेस वेब है। यहाँ पर आपके बच्चे, आपका फैमिली, पूरा ग्रुप यहाँ पर इसको यूज़ करता है। बट टॉर ब्राउज़र है, उसको तो कुछ ही बंदे एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए रहती है। बट हाँ, अगर आप टॉर ब्राउज़र या डार्क वेब यूज़र बनना चाहते हो, उसके बारे में आप सीखना चाहते हो, तो उसका लिंक, उस मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताया है कि आप किस तरह से टॉर ब्राउज़र और डार्क नेट को यूज़ कर सकते हो। उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको दे रखी है, आप एक बार जाके उसे चेक ज़रूर करना। और वीडियोस अच्छी लगें तो उनको लाइक कर देना, और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दो, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अब मिलते हैं नई वीडियो।